हेलो एवरीबॉडी, मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, घर पे बस रिलैक्स करती हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता है कि कोई नई डिश ट्राई की जाए। अगर न्यू नहीं भी तो कोई अपना मनपसंद खाना खाया जाए, लेकिन खुद बनाकर। अच्छा, बहुत देर तक तो मैं ये सोचती रही, टीवी देखते हुए मैं सोचती रही कि आज मुझे क्या खाना है। अच्छा, फिर डिसाइड ये हुआ कि आज फिश खानी है। तो आज जो है फिश खानी है, लेकिन उसके साथ जो है वो बैंगन को भी फ्राई करना है ख़ास अंदाज से। उसके साथ हरी मिर्च भी होगी और उसके साथ जो है, अच्छा सिंपल फ्राई करना। तो मुझे जो है वो फिश खानी है और साथ क्या खाना है वो भी मैंने बता दिया। और उसके साथ मैं आज खाऊंगी रेड राइस होते हैं उनका जो आटा होता है, उसकी रोटी खाऊंगी। वो मैंने कह दिया अपनी मैट को कि वो आज मेरे लिए बना ले। तो मैं आपको स्क्रीन पर शो करूंगी कि रेड राइस जो है उनका फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं कोई भी चीज़ बगैर किसी फ़ायदे के नहीं खाती और जंक फूड में खाती हूँ, लेकिन जंक फूड को मैं टेस्ट करती हूँ। अच्छा, जंक फूड के अलावा भी अगर आप घर में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या दावतों में जो कि कोई इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेना तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं हमेशा पूरी तरह इस चीज़ को, अपने माइंड को मैंने प्रिपेयर किया हुआ है कि मुझे जो भी खाना है, मतलब जो हेल्दी खाना होता है उसको खाना चाहिए, जो जंक फूड होता है या अनहेल्दी होता है उसको टेस्ट करना चाहिए। तो समझ गए होंगे क्या, उसको बस थोड़ा बस ऐसे टेस्ट करना है। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर सारा शो करूँगी, पूरी जो वो जो भी प्रोसेस होगा कि फिश का। तो नो डाउट आप सबको पता होगा कि कितने बेनिफिट्स हैं, ना सिर्फ अपनी हेल्थ पर, स्किन पर, हेयर पर। और वाइट मीट का एक बहुत अच्छा सोर्स है फिश। बिल्कुल सिंपल आप रेसिपी के साथ मैं फ्राई करूँगी, लेकिन है कि आपको भी मज़ा आने वाला है। और आपको पता है कि जब मैं इंजॉय करती हूँ कोई चीज़, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर से भी शेयर करूँ, और इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ साथ होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्क्रीन की तरफ जाऊं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर करें मेरे चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर आप क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। तो मेरे साथ रहें। फ़िश को नमक लगाकर रख दिया था ताकि इसमें एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह। फ़िश जो है ना सिर्फ इंटरनल हेल्थ के लिए बल्कि स्किन के ग्लो के लिए, उसको यंग रखने के लिए बेहद मुफीद है। फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। कार्डियोवैस्कुलर जो भी डिजीज़ हैं, दिल के अमराज, उनके रिस्क को कम करती है। ब्लड प्रेशर को मेनटेन रखती है। तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी डाइट में रखती हूँ। ये बैंगन भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको इस तरह कट लगा कर सिंपल लाल मिर्च, हल्दी पाउडर है, नमक लगाकर इसको मैरिनेट किया है मैंने। जीरा पाउडर पिसा हुआ लगाकर और मिर्च को मैंने नमक भी लगा लिया था। ये देखो इस तरह मैंने सबको तब तक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए लाल मिर्च और धनिया पाउडर है, पिसा जीरा है और पिसा गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी पाउडर और पिसा ज़ीरा ज़्यादा है और लौंग थोड़ा सा ज़रूर होता है। अच्छा, ये रेड राइस जो है इनका मैं आटा पिसवा लेती हूँ, बल्कि हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है। इसको बोन हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है ये,
और जो दिल के अमराज हैं उनके रिस्क को कम करता है। ये देखिए बेनिफिट मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये डाइजेशन के लिए भी बेहद अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है। और आप इसको रेड राइस को राइस की सूरत में भी खा सकते हैं और आटे की सूरत में, क्योंकि रोटी की हमें ज़रूरत होती है। ये फिश जो है इसको एक जो है साइड इसका जब फ्राई हुआ तो मैंने इसको मसाला ऊपर से लगा दिया ताकि इसमें गरम ऑयल होता है तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, इस तरह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ख़ास तौर पर चावल की जो रोटी है वो मैं आपको भी शो करती हूँ, वो भी तैयार है। ये देखें फिश भी तैयार हो गई, बैंगन थोड़े से काले हो गए, थोड़े से शायद जल गए थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा गरम ऑयल होता है, तो प्लीज़ माइंड नहीं करें, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बने। तो ये रोटी भी आप देख सकते हैं और ये क्रिस्पी होती है और बहुत मज़ा आता है इसको। आप फ़िश के साथ खाएं, फ़िश के सालन के साथ, जो हमारा सिंधी स्टाइल का एक सालन है, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरा आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि मैं तो जब भी इस तरह की कुकिंग करते हुए मैं कोई देखती हूँ, तो किसी को कोई चैनल देख रही होती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। तो आज की मील भी आपने मेरी देखी, और इससे पहले कि मैं मील अपनी खाती तो मैंने कहा पहले मैं अपने फ्रेंड्स को बाय कहूँ। और ये भी मुझे पूछना था कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।